हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और खुशी। अ हेल्दी चाइल्ड इज स्ट्रांग एंड हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी। एक स्वस्थ बच्चा ताकतवर होता है, उसके में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो उससे खेल सके और पढ़ सके। बींग हेल्दी इज ऑल्सो मीन्स ग्रोइंग प्रॉपरली एंड नॉट फॉलिंग इल ऑल द टाइम। स्वस्थ होने का मतलब ये भी है कि हम सही ढंग से बढ़ें और बीमार ना पड़ें। यू नो वॉट हेल्दी हैबिट्स आर। आप पहले से जानते हैं कि स्वास्थ्य आदतें क्या हैं। दे आर थिंग्स यू मस्ट डू टू बी हेल्दी। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए ज़रूर करनी चाहिए। लेट अस गो ओवर देम सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट। आइए इनको एक बार और रिमाइंड करें ताकि हम इन्हें भूलें ना। फर्स्ट, गोइंग टू बेड अर्ली एंड वॉकिंग अप अर्ली कीप अस हेल्दी। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी सुबह उठना चाहिए और वॉक करने जाना चाहिए, टहलने जाना चाहिए, जिससे हम हेल्दी रहें। द बॉडी इज़ लाइक अ क्लॉक। हमारा जो शरीर है वो घड़ी जैसा है। इफ़ यू स्लीप, अगर आप सोते हैं, वेक अप एंड ईट एट रेगुलर टाइम, इट वर्क्स प्रॉपरली। अगर आप सोते हो तो सही टाइम पे, फिक्स टाइम पे सो और फिक्स टाइम पे उठो, जिससे कि आपका शरीर प्रॉपरली सही ढंग से काम करे। ईट हेल्दी फूड। You will learn about healthy food in the next chapter. स्वास्थ्य वाले भोजन करने चाहिए, स्वास्थ्यकर भोजन करने चाहिए, और इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। You must keep your body clean. Take a bath every day. आपको अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, wear clean clothes, साफ कपड़े पहनने चाहिए, wash your hair with soap और shampoo at least once a week. अपने बालों को साबुन या फिर शैम्पू से हफ्ते में कम से कम एक बार धोना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर एवरी डे। रोज़ अपने बालों में कंघी करिए। इफ़ यू डू नॉट, योर हेयर में बिकम्स थिन एंड डल। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे और रूखे हो जाएंगे। यू मे गेट रैशेस टू। इसके अलावा आपके बालों में खुजली भी होगी। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमेशा अपने दांतों को सुबह उठकर और सोने से पहले ब्रश करिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमेशा खाना खाने के बाद पानी का कुल्ला करिए। दिस कीप्स द टीथ एंड गम्स क्लीन एंड हेल्दी। इससे आपके दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ रहेंगे और मजबूत होंगे। यू डू नॉट कीप देम क्लीन। इफ़ यू डू नॉट कीप देम क्लीन, फूड स्टक टू देम विल रॉट एंड गिव यू अ टूथएक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, तो उसमें भोजन चिपक जाता है जो सड़ता है और आगे चल के आपको दांत दर्द देता है। जर्म्स आर टाइनी लिविंग बींग्स दैट कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू फॉल इल। कीटाणु जो हैं वो छोटे से बहुत छोटे जीवित प्राणी होते हैं जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमें बीमार डालते हैं। दे स्टिक टू योर नेल्स एंड हैंड, सो मस्ट कीप देम क्लीन। ये हमारे हाथों और नाखूनों में चिपक जाते हैं, इसलिए हमें अपने हाथों और नाखूनों को साफ रखना चाहिए। कट योर नेल्स वंस अ वीक। हफ्ते में एक बार अपने नाखूनों को काटते रहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। टॉयलेट जाने के बाद, खाना खाने से पहले और स्कूल से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोइए। डू नॉट पिक योर नोज। अपने नाकों में उंगली न डालें। द डर्ट स्टिक टू योर नेल्स एंड कैन मेक यू सिक। इससे आपके नाखून में गंदगी चिपक जाएगी और जो आगे आपको बीमार डाल सकती है। यू कैन हर्ट योर नोज टू। इससे आपके नाक में चोट भी लग सकती है। क्लीन योर नोज व्हेन यू बाथ। अपने नाक को जब आप नहाते हैं तब साफ करिए। यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन यू स्नीज। और छींकते समय हमेशा रुमाल का इस्तेमाल करिए। क्लीन योर ईयर्स विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर बाथिंग। अपने कान को साफ करने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए नहाने के बाद। उससे अपने कानों को साफ करिए। नेवर क्लीन दैम विथ अ पेंसिल। कभी भी पेंसिल या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी भी नुकीली चीज़ से अपने कानों को साफ मत करिए। ड्राई योर ईयर्स आफ्टर अ बाथ, यू मे गेट एन ईयरएक अदरवाइज। और हमेशा नहाने के बाद अपने कान को साफ करिए, नहीं तो आगे चल के आपके कानों में दर्द हो सकता है।